मुझे जल्दी है उनका दर्शन करने आया था। बोले वही जाओ, क्या पहचान है? बोले ध्यान की मुद्रा में हो, वैराग्य की मुद्रा में हो, पहचान लेना भाई, अलग ही देखेंगे तुम। बोले वहां गया तो देखा सभी ध्यान की मुद्रा, सभी उदास सोच रहे हैं, आया ऐसे बढ़ना होगा, ऐसे चलना होगा, संसार संसार। वो लौट के आया, माँ माँ तो सारे बैठे हुए। बोले गंगा नहाने के बाद भी जब ऐसे ही रहा, समझना कभी नहीं बात जैसे कभी नहीं। वहां के लौटे, सुना भाई दुकान का क्या हाल है, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, क्या अब लग गए कबीर। तो ये कथा सुनते वैराग होता है, लेकिन जैसे घर पहुंचे बोला नहीं, मरे व्यक्ति को देखते हैं अकेला जा रहा है, इतना कमा के करोड़ों अरबों वैराग होगा, उसके अलावा के लौटे माया का काम भुला भी उठाना, ज्ञान सुरक्षित नहीं, जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है उनका ज्ञान हमेशा, वो हर स्थिति में एक ही जगह। कभी सुनाया था हमने कि कबीर दास ने कहा कि सुरत निरंतर सो मन लागा, शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटे, ऐसी चाही लागे। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटे, ऐसी चाही। सुख दुख से को परे निरंतर, सुख दुख से को परे, एक पद रहा समाई, कहे कबीर यह उन्मन रहनी, जो प्रगट कर जाए तो उन्मन ही अवस्था है। उस पर परिस्थितियां कैसे यहां है, पर्वत कितने ओले गिरे, कितनी हवा चले, पर्वत हिलते जुल जाएगा। जब तुम्हारा मन पर्वत की तरह हो जाए, कैसी विषम परिस्थितियां आए, कितने झकोरे लगे, मन चला बा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा मन भी वैसे जुड़ जाए। तुम्हें जाने का माँ की आराधना कर लो, सांचे क्या करना है भाई, नवारण मंत्र का उपदेश दिया, सप्तशती पाठ की विधि बताई, जाओ नदी किनारे बैठो और आराधना करना, शीघ्र कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। दोनों चरणों में गिर गए, राजा ने कहा मुझे राज नहीं है, अरे बोले निश्चित वैष्णव का मेरा मन घर से हट जाएगा, नदी किनारे गए, रेत की मूर्ति बनाई, मंत्र का ध्यान पाठ, कभी थोड़ा खा लेते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कई बार भी रात में जागते हैं, निराहारो यथाहार, तन मनष्टो मन मासित समाहित, बीच बीच में गुरुदेव का दर्शन करने आते हैं। क्या हाल भाई, क्या हुआ, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, विश्वास करो, विश्वास करो, श्रद्धा सुतात श्रद्धा शक्ति विश्वास, चले वो किनारा मिले, अगर मुझ पर विश्वास है तो मैं लगे जो आज्ञा लोग
बीच बीच में दर्शन करने आते हैं गुरु के दर्शन। जब सुमेधा जी पूछते तो उत्तर ढाई वर्ष बीत गए, अभी तक कोई पता नहीं। देवियों तुम्हें तो अच्छी तरह अनुभव होगा, दही बिलौने बैठते हो, दो ही चार फेरे लगाते मक्खन आ जाता है क्या? तो जब आना है तो एकदम आएगा ना। कहा आता इसी तरह से साधना करते चलो, अंतिम समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारा जीवन सफल होगा। शरद गुरुदेव भगवान की ढाई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन रात्रि स्वप्न सिंह पर सवार भगवती ने दोनों को दर्शन किया। बोली तो कुछ नहीं दर्शन, प्रातः काल जवान उठ करके एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाया, चलिए गुरुदेव के पास चले। दोनों आए, वही प्रश्नता में क्या है कुछ लाभ नजर आया? गुरुदेव आज माँ की कृपा हुई है, सपने में सिंह पर सवार थी, बहुत सौंदर्य था, बहुत सुंदर था। उनके शरीर से अमृत जैसी वर्षा हो पर बोली नहीं। क्या बोले? बोली नहीं। अब समय आ गया, अगर स्वप्न में इस तरह दर्शन होने लगे तो समझना कि वैसा प्रत्यक्ष होने का, और तेजी से और ज्यादा चिंतन करना प्रत्यक्ष हो जाए। महाराज ऐसी भावना तो नशों को चीर करके रक्त का प्रोक्षण कंद मोल फल लगाना और बैठे हो टकटकी लगाए मां की तरफ। तीसरा वर्ष पूर्ण होते होते उसी मूर्ति से सिंह पर सवार भगवती पर आंबा सांचे दरबार की। तीन वर्ष निरंतर चरणों में गए, साष्टांग प्रणाम किया, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, प्यार के मारे शरीर कांपने लगा था। मां मुस्कुराई और मां ने कहा, राजन मेरी आराधना किसने किया? मां मुझे मेरा राज्य वापस नहीं दिया। ध्यान से सुनूंगा, क्या मांगा राजा ने? राजा मां मुस्कुरा के कहती, बस तो बहुत थोड़ा मांगा था, ये मेरी आराधना करके मृत्यु लोक का छोटा सा तुम्हारा राज है, राज मांग लिया, जाओ सारे मंत्री शत्रु तुम्हारे चरणों में राज में। लेकिन मुझे से संतोष नहीं, मैं कुछ और देना चाहती हूं। क्या? आगे चल के तो आठवें मनु बनोगे। बोलो साचे सावर्णिक भविता मनु, क्या लिखा? सावर्णिक भविता मनु। तुमने तीन वर्ष मेरी आराधना की है राजन, यहां का राज्य तो मिल ही जाएगा, बाकी आगे चल के तो मनु बनो, सावरणी मनु आठ में बनो, सृष्टि हो। और 31,67,00,000 वर्ष तक में मनु बन गए, कितना? 31,67,00,000
16 लाख। इतने वर्षों तक तुम्हें इन 3 वर्ष का फल समाधि जी आपको क्या चाहिए? बोले वहां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तब किया तो कुछ तो लो, क्या चाहिए? बोले परिवार से मेरा मन हटा तो बस अपने चरणों का प्यार।